उत्तराखंड का मौसम लोगों के लिए समस्या का कारण बनता जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से मैदानों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य भर में फिर से 4 दिन का अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के कई पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार जनपदों में अनेक स्थानों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं आगामी 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं 3 और 4 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश, आकाशीय बिजली चमकने की ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही शासन ने नदी नालों को पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़ बागेश्वर है, और अगर गढ़वा रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है।